जैसा कि आप सभी को पता है, एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से जिंदगी रुक सी जाती है। लेकिन आज हम आपको एचआईवी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि एचआईवी के बारे में आपको पूरी जानकारी हो सके। किन्हें एचआईवी का रिस्क ज़्यादा होता है, एचआईवी कैसे होता है और इसके कितने स्टेज होते हैं, तो जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब को, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। सबसे पहले जान लेते हैं एचआईवी क्या है। जैसा कि आपको भी पता है, एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। यह वायरस बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, इसके चलते शरीर की बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत कम हो जाती है। अगर किसी को एचआईवी है तो इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी में एचआईवी वायरस आ गया है। अगर दवाइयाँ नहीं लेता है तो एड्स से वह विकसित हो सकता है। एचआईवी कुछ ईयरली सिम्टम है जिनके देखकर आप यह पहचान सकते हैं कि आपको एचआईवी है कि नहीं। ये कई सारे स्टेज में होते हैं। चलिए पहले स्टेज को जान लेते हैं। एचआईवी संक्रमण के 10 से 8 से 10 दिन के बाद मरीज में लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। गला खराब होना, बुखार लगना, छाती पर रेशेस पड़ना, थकान होना, उल्टी जैसे लगना, ये सारे ही लक्षण स्टेज फर्स्ट में आते हैं। और जब आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप समझ सकते हो कि आपको एचआईवी के सिम्टम आ रहे हैं। स्टेज सेकेंड, एचआईवी के इसलिए लक्षण पहचान पाना मुश्किल होता है क्योंकि ये 2 से 3 हफ्तों में गायब भी हो जाते हैं। इन लक्षणों को कभी कभी डॉक्टर भी मिस कर देते हैं। ऐसे में एचआईवी पॉजिटिव शख्स कई साल तक बिना लक्षणों के साथ भी जीता रहता है, लेकिन इस बात को भनक भी नहीं होती और लगभग 10 साल तक इन लक्षणों के साथ जी सकता है। स्टेज 3, इस स्टेज पर पहुंचकर बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है और जो बीमारियों से घिर जाता है, अब उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं बच पाती है। मरीज अब टीबी, निमोनिया, फंगल रोगों, बैक्टीरियल रोगों, वायरल जैसे से घिर जाता है। फिर मरीज को एचआईवी के लिए दवाई दी जाती है ताकि उसका इम्यून सिस्टम और डैमेज ना हो। क्या शरीर में हमेशा जीवित रहता है एचआईवी का वायरस? एचआईवी एड्स के लेकर तमाम बात यह है कि यह इम्यूनो डिफेंसिव वायरस यानी एचआईवी एक सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही जीवित रहता है। मनुष्य के बाहर में 25 सेकंड के भीतर ही मर जाता है। अगर संक्रमित व्यक्ति को मच्छर या कीड़े मकोड़े काटकर दूसरे काट रहते हैं तो क्या संक्रमण होगा? ये सारी बातें रिसर्च में हुई कार्यशाला में जीएसएमई मेडिकल कॉलेज के स्त्री प्रसूति रोग के हेड प्रोफ किरण पांडे ने प्रूव करके दिखाया। उन्होंने एचआईवी एड्स के संबंध में छात्र छात्राओं को कई सारी भांतियां दूर की। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बैठने, उठने बैठने से, हाथ मिलाने या गले मिलने से नहीं फैलता है। संक्रमित माँ से बच्चे को संक्रमण की संभावना कम होती है, बशर्ते नियमित चेकअप और इलाज कराती रहे। एचआईवी का संक्रमण होने पर व्यक्ति की समान जीवन जी सकता है। उसे नियमित चेकअप जैसे दवाएं, खानपान में ध्यान रखकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करना रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से दूसरे संक्रमण हावी होने लगते हैं। इस दौरान छात्र छात्राओं में कई ऐसे सवाल किए। इसमें एचआईवी एड्स के विंडो पीरियड का तात्पर्य, जूठा के खाने से एचआईवी एड्स नहीं हो सकता है। गर्भवती माँ के बच्चे को भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन इसके सारे अगर वो आखिरी स्टेज पे हो तभी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल कई सारे केसेस में ऐसा देखने नहीं मिला है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि एचआईवी अब पहले जैसा घातक नहीं रहा। इसके बारे में 20वीं सदी की शुरुआत में पता चला और अफ्रीका में पता चला था। 1980 आते आते वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य समस्या बन गई। शुरुआती दिनों में इसका कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन अभी कुछ दवाओं के लेने के बाद इसको कंट्रोल किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिछले 3 दशकों में इस जानलेवा बीमारी 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। 90 दशक में मध्य में इस वायरस के खिलाफ ऐसी थेरेपी विकसित हुई जिसकी वजह से एचआईवी एड्स से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई। तो आप समझ गए होंगे किन लोगों को एचआईवी होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, इसके कितने स्टेज होते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो गाइज, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एचआईवी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ध्यान रखें। सो टेक केयर।